साम्राज्य खुश है? तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? इस समय हूँ नवादा में, जो एक ये मंदिर है वहीं पे रुका था। वीडियो में तो देखे भैया के पास रुका हूँ, पास ही में है राशन का दुकान है, जो कुटदार लोग नहीं अपने यहाँ डीलर देते हैं वहीं पे रुका हूँ। तो भैया खाना वाना बनाए हैं हमारे लिए भी। आज दतून दिया है, नीम का दतून है। यह करने से बहुत अच्छा होता है, दांत में कीड़ा भी नहीं रहता है। आज के लिए अगर बाथरूम से आ रहे हैं तो साबुन का यूज करते हैं, यहाँ पे मिट्टी का यूज करते हैं गाँव में, साबुन की तरह होता है। अभी फ्रेश होने के लिए बाहरी लेटरिंग तो है नहीं, लेटरिंग बाथरूम तो बाहरी जाना पड़ता है, खाली खाली है पूरा। भाई लोग खाना होना रेडी हो गया खाने के लिए। यह भैया ने सब्जी बनाया है, गाजर है, आलू है, गोभी है, मटर है, और क्या डाले हैं? टमाटर। भैया बनाया। आपका नाम क्या है भैया? संजीत कुमार। संजीत कुमार कुशवाहा नाम है भैया का। तो वो मिल गए तो सोने को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, पास ही में सुला लिए थे कोई, क्योंकि बाहर सोते थे ठंड भी ज्यादा लगती, कोई दिक्कत नहीं हुआ सोने में। घर कहाँ भैया आपका? मेरा घर गुरारू है, कोची। गुरारू कोची बिहार में है इनका घर, यहीं पे काम करते हैं। 22 किलोमीटर पीछे। 22 किलोमीटर पीछे गुरारू स्टेशन है, गुरारू सुगर मिल। हाँ, उससे 2 किलोमीटर दक्षिण। भैया का तो मिल लिए, और खाना वाना खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, रात को भी खाना खा लेते। रात को तो बना लिए थे, अभी आए नहीं थे भैया इसलिए बना लिए थे, तो खाना खा लिए। इस समय बना के हैं तो खाना खा रहा हूँ। चलिए अब लोग, अब यहाँ से निकलेंगे हम दशरथ माझी के गांव गैलोर। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए ऐसे ही। वो पंडित जी थे, वही रुकाए थे पंडित जी, उनसे बोल दिए थे भैया अब छोड़ के चल रहे हैं। भैया अब यहाँ से निकल रहे हैं, अभी 10 किलोमीटर चलना है पैदल। 10 किलोमीटर पैदल चलूँगा। ये तो मंदिर देखे हैं वीडियो में, ये मंदिर हनुमान जी का है, इसमें सभी देवी देवताओं का है मंदिर। देखिए यहाँ का फील्ड, अब यहाँ से पैदल निकल चुका हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर या 9.5 किलोमीटर होगा। ये बच्चे मिल गए, कहाँ जा रहे हो बच्चे? घूमने जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्यासु कुमार है। तुम्हारा बाबू? कुणाल सिंह। कुणाल सिंह जा रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ जा रहा हूँ, कहें गए लो, हम कहें चलोगे तो कह रहे नहीं, चलोगे साथ में? नहीं, नहीं। पैदल घुमा रहा हूँ, चलो चलना हो तो चलो। इधर तो ये फील्ड ज़्यादा है, खेलने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन बच्चे कम हैं बहुत ज्यादा इधर। क्रिकेट खेलते हो कि नहीं? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, मंदिर पे कोई दिक्कत नहीं हुआ था खाना में, खाने में भैया ने खाना बना के दे दिया तो दिक्कत नहीं हुआ था, खा के और फिर उनके पास दोबारा चल गए। हमको लगा पावर बैंक भूल गए, लेकिन रख लिया था बैग में, क्योंकि सर ये बैग लटका लिया तो खोलने में ज़्यादा दिक्कत होती। यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि खेती पूरा इस साइड खेती भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। नहीं हाँ, वहाँ वो पसार नहीं है कपड़ा। हाँ, कपड़ा तर से यहाँ नहीं है कहीं, बहुत दिक्कत है पानी, पानी का बहुत दिक्कत है। यह लगा है या यूज नहीं होता है? यूज चलता है, जब बंद कर दिया इसको बहुत तो जे गाय गेरू माल जाल के बहुत दिक्कत होता है, हर चीज के लिए पानी ले आना पड़ता होगा। हाँ। भाई यहाँ पे पानी का इतना दिक्कत है, उस गांव से जो गांव है वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है, बहुत दिक्कत है इन लोग। हम लोग का है कि कल है सब चीज, आज जो नलका भी था वो तो पानी देता ही नहीं है, बालू वालू तो पानी वो वहाँ से उस गांव से लेके आना पड़ता है, बहुत दिक्कत। ये जो पाइप लगा रहे हैं नीचे नीचे, जो अंडरग्राउंड जो पानी जा रहा है पटना से, जो गंगा जी में से निकाला जा रहा है, वो जा रहा है गया तक।
एक बात है कि पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, आंटी ने पानी लेके आ रहे हैं। अब ये बताओ पीने के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए, सबके लिए पानी लेके आना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है। चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। चलते चलते कुछ दूर तक आया तो दूसरी गांव में पहुंचा तो ये बच्चे मिल गए। जा रहे हैं नवादा, जहाँ से हम आ रहा हूँ वहाँ जा रहे हैं कुत्ते का बच्चा लेने। नाम क्या है बाबू? मेरा मेरा नाम है मोहम्मद जाने वाला। मोहम्मद जाने वाला। आपका? मोहम्मद अल्तमाश। आपका? मोहम्मद सलमान। आपका? मोहम्मद मुसाही। यह तो बता रहे थे मुस्लिम है, तो हम कहे मुस्लिम है, कोई भी जात से क्या लेना देना है, जात में कुछ नहीं रखा है, दिल में है जो प्रेम वही होना चाहिए, ठीक है? तो अब जाओगे? अब चलो जाओ, हम भी चल रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा जाने में। 7 किलोमीटर आए हो? ठीक है चलते, हम चल रहे हैं। बाय सबको, बाय। जो माउंटेन मैन, जो मूवी का द माउंटेन मैन मूवी का शूटिंग यहीं पे हुआ है, भैया बता रहे थे। जब शूटिंग हो रहा था तो आप थे यहाँ पे? पर घर है तो देखे होंगे। कितने साल हो गए? 2015 में ना? 2015 में 14 में शायद, 14 नहीं 15 में। 15 में तो भीड़ बहुत ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा यहाँ से वहाँ तक भीड़ लगा, यहाँ से पूरा आगे तक चल गया वो पूरा ले लिए होंगे। यार पहाड़ टूट गया तो जाके वहाँ से ले लिया। और शूटिंग सब यहीं पे हुआ है क्या, और दूसरे जगह? नहीं, और फिर कहाँ कहाँ के यहाँ पे हुआ है, यहाँ कर करके फिर मिक्सचर बना, हाँ, बना करके तो मिक्सचर बना के पिक्चर। जो घर और का शूटिंग किए हैं वो कहाँ? सब बनाता था घर यहीं पे, बनाता था यहीं पे घर, हाँ, खुद को बनाता था। वहाँ पे शूटिंग हुआ है, आइए दिखा रहे हैं। आओ बच्चों आओ, जो शूटिंग हुआ है वहाँ पे हुआ है, आइएगा आप। और नहीं रुके होते तो पता भी नहीं चलता कि शूटिंग कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ है। बता रहे थे घर और सब चीज वहीं पे बना देते थे, और शूटिंग हुआ है 2015 में बता रहे थे। अब बहुत ज्यादा भीड़ लगा था तो शूटिंग। चलिए दिखा पहाड़ कैसे चलने में जब छोड़ रहा है नवाजुद्दीन से देखे। मूवी में जितना शूटिंग हुआ है सब यहीं पे हुआ, जो पहाड़ टूटा हुआ दिख रहा है सब मूवी में दिखाया गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तू क्या समझता है भैया? जब मूवी में पूरा शूटिंग हुआ तो तभी क्या तोड़ा हुआ है पहाड़, उसमें तोड़ा भी गया है। लेकिन गैलोर शूटिंग और थोड़ा सा वहाँ पे शूटिंग हुआ है और सब यहाँ पे शूटिंग हुआ, बता रहे थे भैया। देखिए ये तो सब उसी समय क्या, तुम लोग को तो पता होगा, कोई बताता होगा तो जानते हो। हाँ मूवी शूटिंग हुआ है यहाँ पे। चले पैदल चलने में यह फायदा है कि हर चीज जानने को मिल जा रहा है। रुका हूँ भैया पूछने लगे तो, लेकिन बहुत दिक्कत होता है। वहाँ तक पूरा पहाड़ तोड़ा गया है मूवी शूटिंग होना, और उसी पे सब जितना सीन लिया गया है सब, जैसे गिर रही है फगुनिया वो सब उसी पे लिया गया पहाड़। कुछ तो हकीकत भी दिखाया जाता है पहाड़ कैसे तोड़ा जाता है, जब उस मूवी में दिखाया गया। आ रहा हूँ हम वीडियो में, आ रहा हूँ जी, यही सब दिखाया गया। कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम पत्रकार हैं, नाम है आलोक झा, भारत समाचार अखबार में लिखते हैं। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कब्र खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं? अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए, ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए हैं, ठीक है टूट जाए तो बताइएगा,
आपका फोटो छाप देंगे अखबार में। बड़े हिमायती बन रहे हैं हैं? आइए तनी हाथ लगवाइए, आइए। क्या हाल चाल दशरथ भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए, पर एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है, तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? आप तो कमाल कर दिए। पूरा जीवन व्यतीत कर दिए उसे। अब 22 वर्ष कोई पैसेंस नहीं रख पाएगा इतना, कोई भी काम छोड़ देगा। उसमें लग ही गए थे वो कि जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, इसका डायलॉग भी करते हैं जब तक तो तोड़ेंगे थे। मतलब इसको तोड़ना है तो तोड़ना है, मतलब उनका सोच था कि जिस तरह से हमारे साथ जो घटना हुआ है वो आने वाले पीढ़ी को घटना नहीं घटे इसके साथ, वही सोचकर उन लगे थे पहाड़ी को। लेकिन उतना प्यार कोई कर भी नहीं सकता है। हाँ, पत्नी के, पत्नी के प्यार में ही वो ऐसा किए क्योंकि उनका पत्नी का इंटरेस्ट था। तो उतना प्यार कोई कर भी नहीं सकता है आज के जमाने में, कहे दूसरी आ जाएगी। बोला एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आ जाएगी, ऐसा है। लेकिन पहले के जो समझिए एक तरफ से महापुरुष थे, वो संत भी थे। हाँ, जो कबीर पंथी में वो मानते थे कबीर साहब को, उनके ही मार्गदर्शन पर चलते थे। हम लोग तो उनको देखे हैं, शायद इतना ही छोटा होंगे, देखे उनको, देखे बाबा को, हमारे गांव में आते थे हमारे, तो बहुत ज्यादा मानते होंगे उनको लोग। हाँ, माने नहीं क्योंकि महापुरुष थे, तो वो पूरा बिहार के समझिए एक भगवान थे। हाँ, क्योंकि इतना कर्म किए, भगवान इंसान ही बनता है बाद में जो कर्मों से। हाँ, तो धीरे धीरे मानते मानते भगवान का रूप देते। हाँ, बहुत मेहनत, जो आप इतिहास कितना जो महापुरुष अच्छे काम करने हाँ। गए तो उसको लोग आज देखिए पूजा हाँ। भगवान का दर्जा ही दे दिया। लेकिन उनके परिवार को कुछ मिला है कि नहीं? अभी चलूंगा तब देखूंगा। उनका परिवार का तो हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारे अलाउ हाँ। हुआ था देने के लिए, नौकरी हाँ। मकान जमीन जायदाद ये सब भी देने के लिए हाँ। लेकिन मिला आया हाँ। आया उनके नाम पर, लेकिन लोग बिचौलिया लोग जो बीच में था सब हड़प लिया। हालांकि उनके नाम पर अभी देखिए वहाँ पर अस्पताल भी बन गया है, पुलिस स्टेशन भी हाँ। है, हाई स्कूल भी है हाँ। यही नाम पर। तो उनको आगे बढ़ाने वाले आपका जो ये अभी वर्तमान में जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश हाँ। कुमार हाँ। उन्हीं का देन है कि उनका नाम रोशन किए, तो पहले ही काम करके चले गए थे हाँ। जो लालू का समय में हाँ। नहीं मिली थी हाँ। जब ये आए तो उनका इतिहास और देखिए उनका कर्मों का नहीं, ये सब देखना चाहिए क्योंकि आगे भी लोगों का भविष्य में अच्छा हो, लोग ऐसा ही कर्म करें। हाँ, प्रेरणा मिलता है हाँ। उस तरह से ये बताइए, हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आ गया हूँ। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर किस लिए आए? हम तो घूमता हूँ हमेशा, भारत यात्रा पे हूँ, तो इधर भी सोचा हूँ, मूवी तो देखा था बहुत पहले, मन था कि उनके गाँव में जाऊँगा, तो आज निकल दिया। तो उनके गांव जाने के लिए वो रास्ता सीधे है? हाँ सीधे हाँ, तो वो बता रहे थे मूवी शूटिंग हो रहा है ना, इसीलिए हम चला आएगा, बता रहे थे मूवी शूटिंग हुआ था यहाँ पे, तो हम तो ऐसे ही हालचाल पूछे तो वो बताए हाँ, तो पहले हुआ हाँ। होगा हाँ, क्योंकि पहाड़ पहाड़ दिखाया हाँ, तो दिखाया होगा तो यही इसी तरह का दिखाया, उसके हाँ। बाद जब पूरा क्लियर हो गया तब वहाँ का फिर सीन। तो इस साइड हुआ है कि उस साइड जी मूवी, इस साइड हुआ कि उस साइड बाबू, कोई बता रहा था इस साइड हुआ, दोनों साइड हुआ होगा हाँ? इस पार से ऊपर दिखाएगा ना हाँ, इतना जो कटा है बताइए।
हाँ पूरा विश्व, डिस्कवरी चैनल, सत्य में जयते, जो आमिर खान वो भी कहे थे आर्थिक मदद देंगे, तीन मूवी निकला है इसके ऊपर, तीन बता सर्च किया हो तो तीन मूवी निकला, एक बंगाल कम से कम कन्नड़ में भी शायद निकला, तीन मूवी निकला है इनके ऊपर। हाँ द माउंटेन में बहुत पहले निकला था, क्या जिगरा है इनके साथ, उनको धन दौलत पैसा से कुछ मतलब नहीं था, बस मतलब प्यार में। चलिए दशरथ माझी के यहाँ पहुँचते हैं तब बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अकेले हूँ भैया, अकेले एक ही हूँ, ये सारा वीडियो बनाकर आप क्या करते हो? YouTube में डालता हूँ YouTube।